कलकी आई लड़की ई घर पे अपना राज चलाने की कोशिश कर रही थी ना, सब कुछ अपना कब्जा में करना चाहती थी, जो आज तक हम नहीं कर पाए। तुमका क्या लगता है देवर जी का सह पाकर तुम सब कुछ अपने कब्जा में कर लोगी? हम भी देखते हैं कि हमरे होते हुए तुम ई कैसे करती हो। एक डेग में 100 डेग चल रही थी ना तू, अब अंजाम भुगत। दरवाजा भी खुला है और साड़ी भी वैसे नहीं रखी है जैसी मैं रख कर गई थी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई आया था? भाभी जल्दी कीजिए, भैया को बहुत तेज भूख लगी है। बस इंद्रा दीदी, 2 मिनट में आई कपड़े चेंज करके। ठीक है। पता नहीं इतनी खुजली क्यों हो रही है। ता है केवाच ने अपना असर शुरू कर दिया है, बस थोड़ी देर में इसकी चीखें सुनाई देंगी पूरे घर में। क्या बात है सपना रानी, तुमने तो कमाल कर दिया है, तुम्हारी जय हो। जय हो को अपने पास रखो, जय हो को लेके हमने चाटना नहीं, बस चुपचाप आ जाना रात को अपना वादा निभाने। धीरे बोलो, बाबूजी ने सुन लिया ना, ओके खुजलू शुरू हो या ना तुम लिख खत्म कर। आ जाना चलो अभी हो गया काम। बाकी सब तो बुझे दिए, बाकी ये खाना का पहले बुझो तो जाने। भाभी इसे नवरत्न मिक्स कहते हैं, बिना तेल और मसाले का बनाया है। खूब सारी हरी सब्जियां, मतलब शिमला मिर्ची गोभी सब डाल के बनाया है इसे। अरे इतनी भाजी एक बार में एलोटा डालोगी तुम तो हमको? ऐ 4 दिन की सब्जी एक बार में बना दी। अकाजरतीस का नाम है इसका, नवरतन दशरतन कौरमा में है। अरे निर्जरा बहू, इसने इतने प्यार से इतनी बढ़िया चीज बनाई है और तुम पैसे को रो रही हो। अरे दिखने में अच्छी है, खाने में स्वाद भी तो होनी चाहिए ना। तो रहने दीजिए ना दादी, स्वाद हो या बेस्वाद हम खा लेंगे, अपने मुंह को काहे तकलीफ दे रही है। स्वादिष्ट है। वो कहा है ना
कि हमें इनके हाथ का सादा पानी भी मीठा लगता है। ये मास्टर नहीं है कि जादू करनी, ये सब अतरंगी खाना खिलाए खिलाए कि हमारे बेटे को हमसे दूर कर रही है। सीखो देवर जी से कुछ, देखो कैसे निडर होकर अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। अरे बेटा तुम काहे नीचे आ गए, हम तो तुम्हारा खाना ऊपर भिजवा रहे थे। क्यों, हम सबके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते? अरे ऊपर अकेले खाना खा खा के हम बोर हो चुके हैं, तो हमने सोचा सबके साथ मिलकर खाना खाते हैं, इसीलिए हम नीचे आए हैं। अम्मा आप काहे इतने परेशान हो, बैठिए ना। भाभी आपने वो भैया के लिए नवरत्न मिक्स बनाया है ना, दीजिए ना उन्हें, अपने इतने प्यार से बनाया है। जी अंकल, ये तो पिज्जा से भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना है, बहुत बढ़िया खाना बना है। सारा टेस्ट बदल जाएगा बेटा, बस थोड़ी देर और फिर इस दिल्ली वाली को दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। दिखावा करने का, अब पहले सर ढकने का और फिर नयन मटक्का करने का। ये चम्मच गंदी हो गई है, मैं धोकर ले आती हूँ। अम्मा तुम तो कह रही थी कि सरोनी मैडम को खाना बनाना नहीं आता, तुम्हारी प्लेट तो खाली लग रही। हाँ वो तो हम ये देसी खाने के बारे में कह रहे थे, बाकी ई काई नवरतन दशरतन ये तो सब शहरी चोचले हैं, ये तो सब आता है उसको। खुजली क्यों हो रही है मुझे? छोड़ आई समंदर को, अच्छे से दवाई दे बिटिया। जी अम्मा, वो अभी सो रहा है। कहाँ हुआ? दादाजी, अभी क्या हुआ? इंद्रा दीदी अजीब सी खुजली हो रही है। भाभी अब चिंता मत कीजिए, और हाँ भाभी ज्यादा मत खुजाइए नहीं तो त्वचा जल जाएगी। दीदी अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये खुजली बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे आखिर ये खुजली हुई कैसे? ऐसे खुजली तो तब होती है जब केवाथ लग जाता है। लेकिन भैया केवाथ ऐसे कैसे आ सकता है? ए बेटा अभी इसके बारे में सोचने का वक्त नहीं है, केवाथ प्रवाच क्या होता है, अभी थोड़ी देर में खुजली बढ़ जाएगी और पूरा खाल उतर जाएगा। अरे इसको जल्दी से दिल्ली भेजना पड़ेगा, दिल्ली।
दिल्ली? दिल्ली क्यों? दिल्ली इसलिए कि इसका इलाज प्रतापगढ़ में नहीं है ना, दिल्ली में ही है। अरे हमको हुआ था ना, हम गए थे, वो बजरंगी भाई दिखाए थे ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में। यही तो वही बीमारी है। हाँ वही है। हे भगवान, इस बीमारी तो कोनो दुश्मन को भी ना मिले। अरे बहुत बुरा हुआ था तुम्हारे बाबूजी के साथ। कुछ आते खून निकल आता था, लेकिन कुछ लिकम नहीं होती थी। ए भास्कर, जल्दी फोन लगाओ एम्बुलेंस को, सरोजनी को जल्दी दिल्ली भेजना होगा, नहीं तो ऐसे देख खुजला के पागल हो जाएगी। और सुनो, जब तक एम्बुलेंस आ रहा है ना, चलो जल्दी से सामान इसका पैक करो, इसको जल्दी दिल्ली भेजना होगा, चलो। अरे भेजना नहीं है, लेके जाएंगे। मैं अभी जाके सुनंदर को बताता हूँ। पकड़ा गए हैं क्या? ऐसे हालत में खुद अपने को संभाल नहीं रहा है अबू, इसको कैसे संभालेगा? अरे हाँ, हम भेज रहे हैं ना एम्बुलेंस से इसको, उसके मामा को भेज देंगे, वो केशव प्रसाद को, वहां संभाल लेंगे, दिल्ली में सब ठीक हो जाएगा। सरोजनी बिटिया अकेली नहीं जाएगी। चल चल, अब से पकैती किए जा रहे हैं। डॉक्टर हैं आप, जो आप इसके साथ जाएंगे तो ठीक हो जाएगी। दादाजी, आपके पास कोई घरेलू नुस्खा होगा ना, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। घरेलू उपाय? एक मिनट ठहरो, एक मिनट। अरे देखो इनको, ये अलग हकीम बनने चले गए। अरे हम बोल रहे हैं इसका कोई इलाज नहीं है प्रतापगढ़ में, इसको दिल्ली भेजना पड़ेगा, नहीं तो आंसू निकल जाएंगे, खुजलाते जान चली जाएगी इसकी। चलो बहू, दिल्ली चलो। भैया एम्बुलेंस को फोन कीजिए ना, हम भाभी को दिल्ली ले जाते हैं। पूरा बारात जाएगा दिल्ली, अकेले जाएगी ये। एक मिनट ये लो। अभी कौन सा नाटक है, क्या लेके आ गए? अब इससे कहा आप दूसरी सरोजनी बनाएंगे? ये नाटक नहीं, उपाय है। पूरे शरीर में गोबर रगड़ने से नहाने पर केवाज की खुजली मिट जाती है। बुढ़ऊ, दिमाग सटक गया क्या तुम्हारा? भाई पाउडर लगाने वाली लड़की गोबर लगाएगी? ना जाने इसमें कितना कीड़ा मकोड़ा कीटाणु होंगे, कुछ और बीमारी लग गया, पर बीमारी तो लेना का देना पड़ जाएगा। ये बेटा बता रहे हैं तुमको, है तो हमसे मत बोलना कि बताए नहीं थे, मत लगाना ये गोबर ओबर। काहे जिद कर रहे हैं आप, ये पुराना जमाना ना है, आजकल इंसान अनाज में इतना खाद रसायन खा रहा है, आपका ये घरेलू नुस्खा काम नहीं करेगा। ए अम्मा, अरे तुम ही बताओ इनको, तुम्हारी सुने ये बुढ़ऊ। समझाया तो सुनो, सारी दुनिया से जाके पूछ लो अगर हम गलत कह रहे हैं तो, केवाज की खुजली का रामबाण इलाज है। नहीं दादाजी, भाभी ये सब नहीं लगाएगी, इससे अच्छा ना हम दिल्ली ले चलते हैं। मैं सुमित्र को छोड़कर नहीं जा सकती दादाजी, आप जो कह रहे हैं मैं वो करूंगी, मैं इस गोबर से नहाऊंगी। चलो आंगन में चलो, उठाओ।
इंदिरा दीदी, गा रहा है सब। सुनो सुनो ना, तुम्हारी तबीयत खराब है, ऊपर चलो आराम करो। मैडम जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? सुमिंदर बेटा, पता नहीं कैसे सरोजनी के शरीर में खुजली मचने लग गई। तो मैंने निदान सुझाया कि पूरे शरीर में गोबर रगड़ लो, स्नान कर, उससे ठीक हो जाएगी। कि हम करते हैं, छोड़िए, करते हैं, छोड़िए। अरे ए सुमिंदर, पगला गए हो, क्या कर रहे हो तुम? है चलो चलो, हटो वहां से, छोड़ो। अपनी पत्नी की मदद करना पगलाना होता है का? अपनी पत्नी की परेशानी देकर खड़े खड़े तमाशा तो नहीं देख सकते ना। नहीं सुमित्र, तुम रहने दो, तुम्हें दिक्कत होगी, मैं कर लूंगी। इंदिरा दीदी प्लीज मदद कर दीजिए। नहीं, हम कर लेंगे। भैया भैया रहने दीजिए, भैया हम कर लेते हैं, प्लीज रहने दीजिए। खुजली हो रही है, हाँ ठीक लग रहा है। कुछ कम नहीं बिटिया, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, खूब गोबर डालो, खूब गोबर डालो, ठीक हो जाएगा। अब ऊपर जाके स्नान कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है? चेक तो करना पड़ेगा ना अम्मा, आपकी सरोजनी मैडम कितनी खुजली कैसे हो गई। ये पता तो करना ही पड़ेगा।